हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। दोस्तों, वैसे टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको समझ में आ गया कि आज मैं कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूं। मैं हूं सुपर से भी ऊपर वाला आजियो हॉल और मोस्टली मैं 5 सूट का रिव्यू करती हूँ, लेकिन आज मैं 3 ही सूट का रिव्यू कर रही हूँ। वो भी इसलिए जल्दी कर रही हूँ कि सेट आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, कहीं वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, क्योंकि मुझसे ज्यादातर लोगों को की यही परेशानी है कि आप जो भी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हो वो सब आउट ऑफ स्टॉक रहता है। अब मैं क्या करूँ, मेरी पसंद ही ऐसी है कि जिस चीज को मैं परचेस करती हूँ ना, वो डिमांड उसकी बढ़ जाती है। ये चीज का इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती। सीरियसली सच्ची कह रही हूँ, मैं जो भी चीज प्रोडक्ट परचेज करती हूँ ना, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। भले मेरी डिमांड कम रहती है मार्केट में, वो चलता है, बट प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है। ये तो मेरे वो क्या मैं बोलू, पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, पता नहीं। बट आज जो मैं लेकर के आई हूँ दोस्तों, वो सारे के जो भी प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, कुर्ता सेट सब पे 70% 80% ऑफ है। तो सारे साइज जो है फटाफट निकल जाएंगे, फिर आप लोग कंप्लेन करोगे। मुझे कल एक कंप्लेन आया था कि आप जो भी ड्रेस दिखलाए हो सारे आउट ऑफ स्टॉक है, तो मैं क्या परचेज करूं। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं दोस्तों, आप फटाफट एक से बढ़ के एक सूट का रिव्यू करते हैं। मैं अच्छा, इसका रिव्यू करने के पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी ड्रेस है ना, मैं पहन के आपको नहीं दिखलाऊंगी। अब आप पूछोगे छवि ऐसा क्यों, आप ट्राई ऑन हॉल क्यों नहीं दोगे, क्योंकि सारे सूट मुझे बहुत सुंदर लगे थे और सब मैं परचेज भी की। मैक्सिमम ऐसे हैं जो कि मैं फर्स्ट टाइम जिस ब्रांड से मैं परचेज की हूँ आजियो में, फर्स्ट टाइम उस ब्रांड का नाम सुनी हूँ और मैं सोची कि चलो इस ब्रांड से मैं पिक करती हूँ, और साइज के हो गए हैं इशू। तो मुझे सारे के सारे जो है वो बहुत ज्यादा साइज में है, वो कोई एकदम 1 इंच टाइट लग रहा है, कोई 1/2 इंच टाइट लग रहा है, तो वो टाइट वगैरह पहन के ना वो मीन्स पहनने में ही सफोकेटेड लगता है। तो मैं मीन्स ट्राई ऑन क्या दिखलाऊंगी ना, तो मैं आपको जो भी मैं सूट दिखलाऊंगी सबके साइड में जो है आपको कैटलॉग पिक्चर आपको मैं लगा दूंगी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और कैटलॉग में कैसा दिखता है, मेरे पास आया है तो कैसा दिखता है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। जो भी सूट आप देख रहे हो, कभी ना कभी ब्लॉग में आप मुझे देखने वाले हो, क्योंकि सारे सूट एक से बढ़कर एक है। और हाँ, आफ्टर वॉश रिव्यू भी इन सब के आपको मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले सूट की। और ये जो ब्रांड है दोस्तों, इशीन ब्रांड है, और कुछ इस कलर का कुर्ता है दोस्तों। ये कलर मुझे इतना अट्रैक्टिव लगा था ना, इतना प्यारा लगा था, इसलिए मैं इस कुर्ता को परचेज की हूँ। ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था। कुछ इस तरह का कुर्ता है, पूरे में फ्रंट में आपको कुछ इस तरह का आपको वर्क किया हुआ है पूरे कुर्ते पे कुछ इस तरह का जो है आपको वर्क देखने को मिलता है। पूरे कुर्ते में इस तरह का वर्क है। नेक पैटर्न की अगर बात करते हो तो कुछ इस तरह का नेक आपको पैटर्न मिलता है, राउंड नेक है। फ्रंट में यहाँ पर जो है आपको 2 बटन मिल जाते हैं। 3/4 आपको स्लिप्स मिल जाता है, देख रहे हो आप, 3/4 स्लिप्स मिल जाता है। फैब्रिक की अगर बात करते हो तो प्योर कॉटन फैब्रिक लिखा हुआ था, बट मुझे ना ये मोडाल फैब्रिक लगता है, यानी कि वो जो कॉटन और मलमल जो मिक्स होता है ना, जो एकदम सॉफ्ट वाले जो फैब्रिक होते हैं ना, मोडाल फैब्रिक, वो लखनवी कुर्ता में सबसे ज्यादा आज के दिन में अगर चल रहा है तो मोडाल फैब्रिक चल रहा है, तो वही मोडाल फैब्रिक है। फैब्रिक इतना अमेजिंग है जो कि आप समर में, विंटर में, रेनी सीजन में, किसी में भी आप इसको पहन सकते हो। तो कुछ इस तरह का बैक आपको पूरा प्लेन मिल जाता है, स्ट्रेट फिट कुर्ता है, या साइड में आपको लॉन्ग जो है वो स्लिट मिल जाता है। मुझे सबसे खूबसूरत इसका रंग लगा था, और इसके ऊपर जो ये वर्क है ना, मुझे ये वर्क बहुत सुंदर लगा था। तो जैसा कैटलॉग में दिखता है सेम टू सेम मेरे पास आया है। फैब्रिक भी ऑसम मिला है, ऑसम दिखा है। मैं तो इसको सेम कलर के दुपट्टा के साथ ओढ़ने वाली हूँ, बट आप इसको व्हाइट चाहे तो मीन्स व्हाइट कलर के दुपट्टा अगर आप लेते हो तो व्हाइट दुपट्टा के साथ आप जा सकते हो। साइज की अगर आप बात करते हो तो जो आपका बस्ट साइज है उससे एक साइज अगर आप बड़ा लेते हो तो बेटर है। अगर बस्ट साइज का सेम लोगे तो मेरे वाली परेशानी हो जाएगी। मैं सोची थी कि ये ब्रांड में मैं सेम जो साइज है मेरा लूं, बट वो गड़बड़ हो गया। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बॉटम की। तो बॉटम भी सेम फैब्रिक में मिलता है, सेम कलर मिलता है। बैक में आपको इलास्टिक मिलता है,
फ्रंट में आपको बेल्ट मिल जाता है और यहाँ पर जो है आपको पॉकेट मिल जाता है। पॉकेट शायद दोनों तरफ से मिलता है, दोनों तरफ से आपको पॉकेट मिल जाता है। फैब्रिक बहुत फाइन फैब्रिक है। नीचे कुछ इस तरह का आपको पैंट मिलता है और पैंट में भी नीचे कुछ इस तरह का जो है ना आपको नेक के ऊपर जो वर्क है ना, यहाँ पर जो आप देख रहे हो नेक के ऊपर जो यहाँ पर जो वर्क किया हुआ है ना ऊपर में, यहाँ पर वही वर्क जो है आपको बॉटम में मिल जाता है और नीचे यहाँ पे कट किया हुआ। एक्चुअली ये बहुत 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 खूबसूरत कुर्ता सेट है दोस्तों। आंख बंद करके आप इसके साथ जा सकते हो, मुझे बहुत सुंदर लगा है। सीरियसली मुझे ये बहुत सुंदर लगा है, बहुत ज्यादा। इसमें भी आपको कुर्ता और बॉटम दोनों मिल जाता है, ठीक है ना दोस्तों। और इसमें बहुत सारे कलर थे शायद से, मुझे याद नहीं है, बट मुझे ये शायद कलर अच्छा लगा था या एक ही कलर था, याद नहीं आ रहा है मुझे। फैब्रिक की अगर आप बात करते हो तो प्योर कॉटन फैब्रिक है। ब्रांड की अगर बात करते हो ना तो मुझे ये ब्रांड मैं पहली बार सुनी हूँ। आजियो के ऊपर ये ब्रांड होगा बट मैं आजियो से बहुत कम शॉपिंग करती हूँ। मेरी अगर बात करते हो तो सांझ ब्रांड है, ब्रांड नेम है सांझ, ओके। और कुछ इस तरह का जो है आपको प्रिंट मिल जाता है, पूरे कुर्ता पे आपको कुछ इस तरह का आपको प्रिंट मिल जाता है। ये फ्रॉक पैटर्न जो है आपको मीन्स फ्रॉक पैटर्न जो है ये कुर्ता है। नीचे आपको यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना लेस वर्क किया हुआ है, नीचे कुछ इस तरह का आपको व्हाइट कलर का लेस लगा हुआ है। थ्री क्वार्टर आपको स्लिप्स मिल जाता है, कुछ इस तरह का अम्ब्रेला पैटर्न जो है वो आपको स्लिप्स मिलता है और स्लिप्स पे भी यहाँ पर जो है आपको लेस वर्क किया हुआ है व्हाइट कलर का। मैं जब पहनी थी तो मुझे ये बहुत 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 स्मार्ट मेरे ऊपर लगा था, ऐसा अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि वैसे भी देखिए मैं कितना लूज पहनती हूँ, बहुत लूज मैं कुर्ता पहनती हूँ, तो मुझे ना फिटिंग वाले जो कुर्ते होते मुझे अनकंफर्टेबल लगते, इस कारण मैं इसे रिटर्न में थोड़ा डाल रही हूँ। बैक और फ्रंट दोनों में आपको सेम जो है आपको प्रिंट मिल जाता है और नीचे आपको कुछ इस तरह का लेस वर्क मिल जाता है। साइड में तो आप कैटलॉग में देख ही रहे हो, सेम आपको जैसा कैटलॉग में दिखता है सेम आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके बॉटम की, तो जैसा कुर्ता का प्रिंट है वैसा ही आपको बॉटम मिलता है, सेम फैब्रिक आपको मिलता है। बैक में आपको ये इलास्टिक मिलता है, फ्रंट में जो है आपको बेल्ट मिल जाता है और नीचे कुछ इस तरह का आपको प्लाजो मिलता है। इसके पहले वाले कुर्ता में आपको दिखाई थी तो पैंट था, इसमें प्लाजो मिलता है और नीचे आपको कुछ इस तरह का इलास्टिक मिल जाता है। तो ये भी मुझे बहुत 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 सुंदर दिखा है, आप बिग थम्स अप है, आप इसको भी परचेस कर सकते हो, जैसा दिखा था वैसा ही मुझे मिला है। अब बात कर लेते हैं तीसरे कुर्ता सेट की, और ये मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे बताइएगा, वैसे पसंद अपनी अपनी होती है, बट ये मुझे एकदम से अच्छा नहीं लगा। मैं इसे रिटर्न में डाल रही हूँ और आप मुझे कभी भी किसी भी ब्लॉग में या वीडियो में आप मुझे इससे पहने हुए तो नहीं देखने वाले हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रांड की, तो कौन से ब्रांड का था मुझे याद नहीं है, बट इसमें ब्रांडिंग किया ही नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ भी ब्रांड लिखा हुआ नहीं है। प्योर कॉटन फैब्रिक लिखा हुआ था बट मुझे इसमें सिंथेटिक्स वाली फीलिंग आ रही है, जो आप सबको पता है मुझे कॉटन से बहुत लगाव है। मुझे कॉटन हो, सिफोन हो, रेयन हो, वो भी चलता है, बट सिंथेटिक्स फीलिंग जहाँ मुझे सिंथेटिक्स की आती है कि मुझे बॉडी में थोड़ी सी इचिंग और ये सब शुरू हो जाता है, तो मुझे ना ये प्रिंट अच्छा लगा ना इसका कलर मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली बहुत सारे कलर थे, कम से कम 10-12 कलर थे, बट मैं इसको पिक की थी कि मेरे ऊपर ना ये कलर बहुत अच्छा लगता है, तिल कलर बोलते हैं इसको शायद से, और मेरे ऊपर ये कलर बहुत अच्छा लगता है। बस जो है आपको नेक पैटर्न मिल जाता है, देख रहे हो ना कुछ इस तरह का आपको नेक पैटर्न मिल जाता है, कुछ इस तरह का मंदिर बना हुआ जो भी हो, हाफ कॉलर बोलते हैं इसको। थ्री क्वार्टर आपको स्लिप्स मिल जाता है, बैक और फ्रंट दोनों में आपको ये कुछ इस तरह का जो है ना आपको धागे का काम रखा हुआ। इसको ना शायद से उड़ीसा, मेरे पास ऐसा कुर्ता का फैब्रिक रखा हुआ है जो अभी तक मैं सिलवाई भी नहीं हूँ, उड़ीसा में कुछ इस तरह के प्रिंट के फैब्रिक शायद से पहनते, तो मुझे लगता है उड़ीसा पैटर्न करके है, बट मुझे मेरे ऊपर ये कलर मुझे नहीं अच्छा लगा, मीन्स मेरे पास जब आया तो मुझे नहीं अच्छा लगा, आप समझ रहे हो ना क्या हुआ है। और ये ना स्ट्रेट फिट आपको कुर्ता मिलता है और आपको ये लॉन्ग आपको स्लिट मिल जाता है, बट इसमें बहुत सारे कलर है। प्राइस इतने प्राइस में अगर आपको पसंद आ रहा है तो आराम से आप इसको पिक कर सकते हो डेली यूज में और ऑफिस में, और ये मॉनसून सीजन में तो ये बहुत अच्छा होगा। ये प्योर सिंथेटिक्स नहीं है, मीन्स कॉटन में होता ना कुछ थ्रेड होते हैं जो सिंथेटिक्स
मिक्स होते हैं कॉटन और कुछ सिंथेटिक्स मिक्स उस तरह का कुछ फैब्रिक लगा मुझे, मुझे उतना फैब्रिक नहीं जमा इसलिए मैं इसे रिटर्न कर रही हूँ। बात कर लेते हैं इसके बॉटम की, तो बॉटम आपको प्लेन मिल जाता है, बैक आपको इलास्टिक मिलता है और फ्रंट में आपको बेल्ट मिल जाता है और यहाँ पे आपको कोई भी पॉकेट वगैरह नहीं मिलता है, कुछ इस तरह का जो है आपको पैंट मिल जाता है। तो आप मुझे ये नहीं अच्छा लगा, बट आपकी मर्जी, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको परचेज कर सकते हो। आई होप कि मेरा ये छोटू मोटू सा तीन ड्रेस का जो है आपको हॉल वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लग गया हो तो भर भर के अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अच्छा लग गया हो, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज बताइए जरूर कि आपको इन तीनों में सबसे सुंदर कौन सा लगा, ये तो बताना बनता है ना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल। और हाँ, इतना जल्दी रिव्यू करने का मतलब यही था कि कोई भी स्टॉक आउट ना हो, जो इच्छा हो आप परचेस कर सकते हैं। बाय बाय।